नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, आपको फ्रेश वीडियोस के इंटीमेशन अपने आप आते रहेंगे। दोस्तों, हम GST में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं और करते रहेंगे। आज मुझे लगा कि हम सबको एक और बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए और वो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर GST। दोस्तों, एक साल बीत चुका है, आज हम फर्स्ट एनिवर्सरी GST की मना रहे हैं और बहुत सारा काम हमने किया है, बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर, मतलब जाने अनजाने में हमसे गलतियां भी हो गई होंगी। तो मुझे लगा कि हमें आज डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन से ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं और उन ऑफेंसेस पर क्या क्या पेनल्टीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं, ताकि भविष्य में हम ध्यान रखें कि जो भी एक्टिविटी हम इस रिलेटेड सब्जेक्ट में करें तो कोशिश करें कि विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ लॉ रहकर करें, ताकि कोई भी ऑफेंस ना हो जिससे कि फ्यूचर में हम पर कोई पेनल्टी इम्पोज ना हो सके। दोस्तों, हम दो सेक्शंस के बारे में बात करेंगे CGST एक्ट के। पहला है सेक्शन 122 और दूसरा है 125। दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 122 में दोस्तों तीन सबसेक्शंस हैं और तीनों सबसेक्शंस में डिफरेंट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सबसेक्शन 1 से, जिसमें पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है 10,000 रुपये या टैक्स इवेडेड या रॉन्ग ITC क्लेम्ड डिस्ट्रीब्यूटेड या फ्रॉडेंटली रिफंड क्लेम्ड, रॉन्ग रिफंड क्लेम्ड, इन सब में जो हायर होगा वो हमारी सबसेक्शन 1 में पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मैंने आपको बता दी कि पेनल्टी क्या लगेगी, 10,000 रुपये या टैक्स इवेडेड या रॉन्ग ITC क्लेम्ड या रॉन्ग रिफंड ऑब्टेंड, इन सब में जो हायर होगा, सब में जो ज़्यादा होगा वो हम पर पेनल्टी लगेगी। सबसेक्शन 1 में ये स्पेसिफिक पेनल्टी है और इसके लिए स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी लिस्ट किए गए हैं, 21 ऑफेंसेस लिस्ट किए हैं। दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने कोई इनवॉइस इशू किया है, कोई सप्लाई की और इनवॉइस उसका इशू नहीं किया, या इनवॉइस इशू किया तो फॉल्स इनवॉइस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ इशू किया, पहला ऑफेंस। आपने इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं की, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इकोनॉमी में जो कि अब फिर देखने को नजर आ रहा है। तीसरी सिचुएशन की, आपने टैक्स कलेक्ट किया और टैक्स कलेक्ट करने के 3 महीने, जब टैक्स कलेक्शन के बाद आप पेमेंट ड्यू होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने टैक्स पे नहीं किया, तीसरा ऑफेंस। चौथा ऑफेंस कि आपने टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कर लिया, मतलब आप एलिजिबल नहीं थे टैक्स कलेक्ट करने के लेकिन फिर भी आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, मतलब मे बी कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने फिर भी टैक्स कलेक्ट कर लिया। एक बात मैं बीच में बताना आपको भूल गया दोस्तों, और वो ये है कि ये जो सबसेक्शन 1 है इसकी शुरुआत होती है वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स दीज प्रोविजंस, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की क्या डेफिनेशन है एक्ट में, उन्होंने लिखा कि टैक्सेबल पर्सन हु इज और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, मतलब या तो रजिस्टर्ड है या लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पर यह सबसेक्शन 1 नहीं लगता, जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हूं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी मुझ पर 122 का सबसेक्शन 1 लगेगा, वो सारे ऑफेंसेस मुझ पर अप्लाई होंगे। हम बात कर रहे थे टैक्स कलेक्ट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और 3 महीने तक, जब पेमेंट ड्यू थी उसके 3 महीने तक आपने टैक्स पे नहीं किया, दिस इज द फोर्थ ऑफेंस। दोस्तों, फिफ्थ ऑफेंस सेक्शन 51 में हम सब जानते हैं, जिसकी जो अभी सस्पेंडेड है, अभी 30 जून तक सस्पेंडेड था पहले, अब उसको 30 सितंबर तक सस्पेंड कर दिया सेक्शन 51 को। उसमें कहा कि टैक्स डिडक्ट करना है आपने सप्लाईज पे, अगर आपने वो नहीं किया दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। टैक्स कलेक्ट करना है सेक्शन 52 में, अगला ऑफेंस, और आपने नहीं किया दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस।
उसके बाद आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रॉन्ग यूटिलाइज कर लिया गुड्स और सर्विसेज पे, बिना गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए, चाहे फुल्ली यूटिलाइज कर लिया हो या पार्शली यूटिलाइज कर लिया हो, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस दोस्तों. गुड सर्विसेज आपने रिसीव नहीं किए, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, दिस इज एन ऑफेंस. उसके बाद आपने फ्रॉडुलेंटली रिफंड क्लेम कर लिया दोस्तों, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस. आपने सेक्शन 20 में लिखा है, आपको तरीका बताया है कि आप अगर ISD हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है क्रेडिट. आपने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20 सेक्शन 20 ऑफ द CGST एक्ट आपने कोई क्रेडिट अवेल कर लिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी एक ये ऑफेंस है दोस्तों. अगला ऑफेंस जो है वो दोस्तों, अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई किए, सब्स्टिट्यूट किए, फेक अकाउंट्स प्रोड्यूस किए या फर्निश की एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन और रिटर्न विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्सेस, अगर आपने कोई रिटर्न भी फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ फाइल की है विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्सेस, तो आपका ये ऑफेंस इस सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में लगता है. आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ऑफेंस है दोस्तों, ₹10,000 की पेनल्टी है दोस्तों. आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या बाद में कभी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, एड्रेस, कोई और इंफॉर्मेशन आपने फॉल्स दे दी, या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या फिर सब्सिक्वेंटली ऑल्सो, तो भी एक ऑफेंस है दोस्तों. आपने किसी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में रोका या बाधा डाली, तो भी एक ऑफेंस है दोस्तों. आपने कोई भी टैक्सेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट किए विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस और ईवे बिल के बिना, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ सप्लाई और ईवे बिल के बिना, आपने टैक्सेबल गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट किए, ऑफेंस है दोस्तों, पेनल्टी लगेगी दोस्तों. आपने अपनी टर्नओवर सप्रेस की, छुपाई विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्सेस दोस्तों, ऑफेंस है दोस्तों, पेनल्टी लगेगी. आप फेल करते हैं टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आपने किताबें नहीं बनाई, बनाई तो रिटेन नहीं की, प्रॉपरली मेंटेन नहीं की, पेनल्टी लगेगी दोस्तों, ऑफेंस है दोस्तों. उसके बाद आपने कोई भी गुड्स जो कि लायबल फॉर कन्फिस्केशन है, जिनके साथ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई और विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ मटेरियल मूव हो रहा है, और उनको आपने सप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट किया या स्टोर किया, वो भी ऑफेंस है दोस्तों. आपने कोई किसी और व्यक्ति का GSTIN रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस या किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा, ऑफेंस है दोस्तों, पेनल्टी लगेगी. आपने कोई भी एविडेंस और डॉक्यूमेंट टेम्पर किया या डिस्ट्रॉय किया, पेनल्टी लगेगी दोस्तों, ऑफेंस है दोस्तों. आपने कोई गुड्स विच आर सीज्ड और अटैच्ड और डिटेन्ड, उनको डिस्पोज ऑफ किया या टेम्पर किया, ऑफेंस है दोस्तों, पेनल्टी लगेगी. ये 21 ऑफेंसेज हैं दोस्तों सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 में, जिसके ऊपर पेनल्टी लगेगी. सब सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 122. अब ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टैक्सेबल नहीं, वो व्यक्ति जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसने क्या किया, उसने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स शॉर्ट पे किया, एरनसली रिफंड क्लेम कर लिया या रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल या यूटिलाइज कर लिया, यहां पर दो सिचुएशंस हैं, ये सब काम टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, एरनसली रिफंड क्लेम कर लिया, गलत ITC क्लेम कर लिया विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड और विदाउट द इंटेंट ऑफ फ्रॉड. अगर विदाउट द इंटेंट ऑफ फ्रॉड है तो पेनल्टी अलग है, विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड है तो पेनल्टी अलग है. अगर आपने ये सब काम किए रजिस्टर्ड पर्सन ने विदाउट द इंटेंट ऑफ फ्रॉड, तो पेनल्टी है ₹10,000 और टैक्स 10% ऑफ द टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, विदाउट द इंटेंट ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और विलफुल मिसस्टेटमेंट्स. अगर जानबूझकर आपने ये नहीं किया है तो ₹10,000 या 10% ऑफ द टैक्स इवेडेड विच एवर
इज हायर. लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि आपने जानबूझकर विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, विलफुल मिस स्टेटमेंट, अगर आपने ये किया है तो 10,000 रुपए और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर. पिछले में 10% ऑफ द टैक्स इवेडेड था दोस्तों, यहाँ पूरा का पूरा 100% टैक्स इवेडेड 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर. दिस इज सबसेक्शन 2 दोस्तों. अब हमारे पास सबसेक्शन 3 है. दिस इज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस. यहां पर पेनल्टी जो है वो अलग है, लेकिन ऑफेंसेस क्या हैं? पेनल्टी मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज. मैं आपको बता दूं यहां पर सेपरेट पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज. कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हो सकती है 25,000 रुपए. लेकिन ऑफेंसेस क्या है? यहां पर वर्ड यूज है एनी पर्सन, कोई भी टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरिलेटेड, रिलेटेड, कोई भी पर्सन जो कि इस तरह के कोई ऑफेंस करता है. पहला सिचुएशन, एनी पर्सन वो एड्स और अबेट्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1. एड्स और अबेट्स, कोई भी या तो मोटिवेट करता है या हेल्प करता है, असिस्ट करता है उन ऑफेंसेस को करने में, जो 21 ऑफेंसेस हमने सबसेक्शन 1 में पढ़े, उस पर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है. दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा अपने सभी प्रोफेशनल ब्रदर्स को कि प्लीज माइंड दिस सबसेक्शन, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 122, वेयर इट स्टेज एनी पर्सन वो एड्स और अबेट्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122, पेनल्टी में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज दोस्तों. उसके बाद एनी पर्सन वो एक्वायर्स पोजेशन ऑफ और एनी इन एनी वे कंसर्न्स हिमसेल्फ इन ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, डिपॉजिटिंग, कीपिंग, कंसीलिंग, सप्लाइंग और परचेजिंग और इन एनी अदर मैनर डील्स विद एनी गुड्स विच ही नोज और हैज रीजंस टू बिलीव आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन. मतलब मुझे पता है कि ये गुड्स आई हैव अ रीजन टू बिलीव लायबल फॉर कन्फिस्केशन और मैं अपने आप को उन गुड्स के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करता हूँ, स्टोर करता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, कंसील करता हूँ, छुपाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझ पर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता. अगला, सर्विसेज के ऊपर. अगर उसे मतलब लायबल फॉर कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आई हैव अ रीजन टू बिलीव दैट दीज सर्विसेज आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और फिर भी मैं अपने आप को उन सर्विसेज से रिलेट करता हूं, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. ये है. अगला है कि अगर किसी सेंट्रल टैक्स ऑफिसर या स्टेट टैक्स ऑफिसर ने मुझे बुलाया है अपेयर करने के लिए, मैं अपने सामने बुलाया है किसी इंक्वायरी से रिलेटेड, कुछ बातें पूछने के लिए, डॉक्यूमेंट पूछने मंगाने के लिए, और मैं नहीं जाता, तो भी 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है. लास्ट है इसमें सबसेक्शन 3 में कि मैंने कोई इनवॉइस अकॉर्डिंग टू द एक्ट नहीं इशू किया या इनवॉइस इशू किया और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं किया. मतलब अगर कोई भी इनवॉइस मैंने इशू किया है और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं किया है, और अगर इशू किया है और उसको अपने किताबों में नहीं दिखाया है, तो 25,000 रुपए तक की पर इनवॉइस की पेनल्टी दोस्तों मुझ पर लग सकती है. ये है दोस्तों सेक्शन 122 जो कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस का है. एक सेक्शन 125 भी है जिसमें जनरल पेनल्टी प्रिस्क्राइब की, और वो ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट जो कि किसी स्पेसिफिक जगह कोई ऑफेंस प्रिस्क्राइब नहीं है और वो जनरल कॉन्ट्रावेंशन है, कोई भी प्रोविजन आपने एक्ट का पूरा नहीं किया और उसकी पेनल्टी स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं की गई एक्ट में, तो उसकी पेनल्टी ऑल्सो मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज. मतलब कोई भी ऑफेंस है जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन है जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जिसकी पेनल्टी, उसकी पेनल्टी 25,000 रुपए तक की लग सकती है दोस्तों. ये है दोस्तों सेक्शन 122 और 125. आज हमने ऑफेंसेस को डिस्कस किया. आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू. मेरा नाम सी ए राजेंद्र अरोड़ा है. थैंक यू.